प्रातः क्लास चल रहा था, छः नौ अड़सठ पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। उस समय हम भी फेल करते थे कि हम विकारी हैं, क्योंकि विकार में जाते थे। अभी बाप कहते हैं तुमको ऐसा निर्विकारी बनना है, जब ऐसा कहते तो बाबा दाई हाथ से लक्ष्मी नारायण की ओर इशारा करते थे। जैसे इन्होंने दैवी गुण धारण किए हैं, वैसे ही तुमको भी दैवी गुण धारण करने हैं। ये जो विकार है, सीमत के विपरीत कार्य है, जिन्हें विकार कहा जाता है, ये काम क्रोध लोभ मोह अगर हैं तो उनको दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। देवताओं में तो लोभ नहीं होगा, वहां पांच विकार ही नहीं होते हैं। और ये तो है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, वैसे ये भी संगम हो जाता है। उसको गाया भी जाता है राम राज्य और रावण राज्य। अभी तुम तो समझते हो कि रावण राज्य में बहुत दुख है, कितनी बीमारियां लड़ाइयां आदि होती रहती है, अनेक प्रकार के दुख है। इसको कहा जाता है रावण राज्य। और रावण को भी हर वर्ष मनाते हैं, चित्रों में भी रावण को दिखाते हैं। ये चित्र जरूर रावण के चरित्र की यादगार है। ये विकारी रावण राज्य है, क्योंकि वाम मार्ग में जाने से सभी विकारी बन जाते हैं। बायां हाथ अशुभ सूचक है, जाड़ के चित्र में भी दिखाया है। बाईं ओर के जो भी धर्म हैं, वो सब व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले हैं। बच्चे समझते हैं अभी हमको तो निर्विकारी बनना है, और ऐसे नहीं कि सतयुग में निर्विकारी बनना है, नहीं, यहां इसी दुनिया में दैवी गुण धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में दैवी गुण धारण करेंगे, ये भी जानते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही फल मिलता है। तो बच्चों से अभी कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए।
एक होता है विक्रमाजीत राजा, फिर होता है विक्रमी राजा। विक्रमी राजा के राज्य में विक्रमी संवत चलता है, यानी रावण के विकारों का संवत है। इस बात को कोई नहीं समझते हैं, और न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजीत तो देवताएं होती हैं। तो 5,000 वर्ष में 2,500 वर्ष हुआ विक्रमी संवत, और 2,500 वर्ष राजा विक्रमाजीत। विक्रमों पर तुम अभी जीत पाते हो, अर्थात विकारों पर जीत पहनते हो। तो उनको कहेंगे कि विक्रमाजीत। आधा कल्प है वो विक्रमाजीत, और आधा कल्प है वो विक्रम। वो लोग कहते तो हैं, परंतु उनको कुछ पता नहीं है। तुम तो कहेंगे कि विक्रमों को जीतवाने पाने वाला संबत इन लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। फिर बाद में 2,500 वर्ष के बाद विक्रम संबत शुरू होता है। अभी बाप आए हैं ये विक्रमी संबत पूरा करने के लिए। फिर जरूर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन जाएंगे, और विक्रमाजीत संबत शुरू हो जाएगा। ये सब बातें तुम ही जानते हो। तुमको कोई कहते हैं इस ब्रह्मा को क्यों बैठाया है, बोलो। अरे तुम्हारी इनसे आकर क्यों पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला ये कोई ब्रह्मा थोड़े ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं। ये ब्रह्मा भी उन शिव बाबा से पढ़ता है। जो पढ़ाने वाला है वो तो ज्ञान सागर है, और उसका कोई चित्र नहीं होता है। वो तो विचित्र है, निराकारी है। उनका चित्र अर्थात शरीर नहीं होता है। उनको कहा जाता है निराकार। और ऊंचते ऊंचे भगवान है, निराकारी भी है, निर्विकारी भी है, निरहंकारी भी है, और वो निराकार एवर है। जिस धाम से आता है वहां सभी निराकारी आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहां इस दुनिया में आकर के साकारी बनती है। उस निराकारी परमपिता परमात्मा को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब याद करते हैं, क्योंकि वो आत्माओं का बाप है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर कह ही नहीं सकते हैं।
668 की वाणी का दूसरा पेज। ये सब समझ की बात है। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं और तब तक अटेंशन देते रहते हैं जब तक कोई मर्तबा न पाले। तुमको भी बाप कहते हैं जब तक जीना है तब तक पीना है। लौकिक दुनिया में भी समझते हैं कि बैरिस्टर बन गए तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़े ही होता है कि बैरिस्टर बनने के बाद फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई तो पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही तुम भी देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। फिर तो 1250 वर्ष देवी देवताओं का राज्य चलता है। और ये बातें तुम बच्चे ही अभी जानते हो, बाप तुमको समझाते हैं। न इनको समझाते हैं न उनको समझाते हैं। इनको माने जो भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अथवा उनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी नहीं समझाते हैं और उनको भी नहीं समझाते हैं। उनको माने और धर्म वालों को जो चंद्रवंश के बाद आते हैं। तुमको समझाते हैं तो तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़े। औरों में चंद्रवंशी भी आ जाते हैं, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि सभी आ जाते हैं। ये भी ख्याल रखना चाहिए। कि अगर औरों को पढ़ाते नहीं हैं तो उनको टीचर नहीं कहेंगे। बाप तुम सबको टीचर्स बनाने आए हैं, क्योंकि तुम सब हो पहली पीढ़ी के जनरेशन। नई दुनिया की शुरुआत होगी और पहली सूर्यवंशी जनरेशन की शुरुआत हो जाएगी। उस पहली पीढ़ी की प्रजा की भी कोई विशेषता होती है। कहेंगे 9 लाख प्रजा है जिनकी यादगार 9 लाख सितारे आसमान में चमकते हैं। वो सितारे हैं आसमान के सितारे जड़, और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हारे में भी आधे हैं सिर्फ ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले और आधे ज्ञान सूर्य से जो रोशनी लेता है चंद्रमा, उस चंद्रमा को फॉलो करने वाले। फिर भी जो जन्म लेने की कोटि के हैं, वो अभी पावरफुल है, अभी तुम सबसे कमजोर हो गए हो। तो जो पावरफुल है वो कमजोर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। जब तुम पावरफुल बन जावेंगे तो उनकी प्रवेशता बंद हो जाएगी।
क्योंकि वो आत्माएं संगम में तुम्हारे बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके कार्य करती है और सतयुग में तुम्हारे स्थूल पेट से जन्म लेती है। वो तुम्हारी रचना है और तुम उनके रचयिता हो। ये तुम्हारी एंड सेंस कंपनी है। दोनों ही मिलकर के सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाते हो। तो तुम 9 लाख सितारे आसमान के सितारों के मनिंद सारी दुनिया में ऊंची स्टेज में चमकते रहेंगे। ये महाविनाश के समय की बात है। जबकि सुप्रीम बाप टीचर बनकर के आया हुआ है। टीचर के औलाद हो। तब कहेंगे कि बाप और बेटे की कंपनी है। तो टीचर के बच्चे टीचर होना चाहिए। तो बताओ सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स चाहिए है? कितने? 9 लाख टीचर्स चाहिए। जैसे टीचर स्कूल में ऊंची स्टेज पर बैठता है, ऐसे तुम 9 लाख सितारे सारी दुनिया की नजरों के सामने ऊंची स्टेज में चमकते रहेंगे। जैसे तुम्हारा बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है, वैसे तुम भी टीचर हो। सदगुरु के बच्चे हो तो तुम्हारा बाप सत्य है, तो तुम बच्चे भी सत्य होने चाहिए। सिख लोग भी कहते हैं है सी भी सत्य और हो सी भी सत्य। सच्चा ही था, सच्चा ही है और सच्चा ही रहेगा। परंतु उन सिखों में वो कोई सदगुरु नहीं होते हैं। कह देते हैं गुरु नानक को सदगुरु, वो तो वास्तव में सब सदगुरु के बच्चे हैं। सत्य माना ही सत्य, और जो सत्य होता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। जो असत होता है उसी का विनाश होता है। दुनिया में सच्चखंड भी है भारत और झूठ खंड भी है। अभी बने हुए हैं वो झूठ खंड इस्लाम धर्म खंड अरब देश, क्रिश्चियन धर्म खंड यूरोपीय अमेरिका, बौद्धी धर्म खंड चीन जापान आदि। आज से 2500 साल पहले थे ही नहीं और अभी फिर नहीं रहेंगे। जब महाविनाश होगा तो जो सच्चखंड भारत है वो ही रहेगा। अभी तो ये सारी दुनिया कूड़खंड है जिसमें कूड़ा ही कूड़ा भरा पड़ा है। सच्चखंड
सच्चा बाप ही आकर के स्थापन करते हैं, उसको कहेंगे सच्चा साईं बाबा। साईं कहते हैं स्वामी को। सारी दुनिया के ऊपर स्वामित्व करने वाला है वो विश्व पिता है। सारे विश्व को शासन करता है। तो जब सच्चा बाप आते हैं उस समय नकल करने वाले ढेर के ढेर साईं बाबा निकल पड़ते। गायन भी है, नैया ढूलेगी हिलेगी परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान तो बहुत आवेंगे, जो तुम्हारे पुरुषार्थ की जीवन रूपी नैया को बहुत हिलाते रहेंगे, परंतु इन तूफानों से डरना नहीं है। सन्यासी लोग कब तुमको ऐसे नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आवेंगे, उनसे डरना नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि वो हमारी जीवन रूपी नैया को कहां ले जावेंगे। ढाई हजार से हमारी जीवन रूपी नैया जन्म जन्मांतर गड्ढे में जाती रही है, मेंटलिटी नीचे गिरती चली जा रही है, तो पार ले जाने की तो बात ही नहीं। अज्ञान के घोर अंधेरे में है। ये भक्ति मार्ग है ही अज्ञान। इस भक्ति से कोई की सदगति नहीं हुई है, एक ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान जानने को कहा जाता है और जानकारी सत्य की ही होनी चाहिए। सत्य बाप आकर के ही सत्य की जानकारी देते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, कैसे सृष्टि का चक्र आवृत होता है, वो सच्चाई सिवाय बाप के कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि और सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। नया नया जन्म होता रहता है तो पिछले जन्म की बातें भूल जाती है। ये तो एक ही अजन्मा बाप आत्मा है जिसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, जो कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेता। वो आकर के सच्चाई बताता है अनेक जन्मों की। तो मनुष्य गुरु तो जानते ही नहीं कि किससे दुर्गति होती है और किससे सदगति होती है। भक्ति करते करते नीचे ही उतरते रहते हैं। भल वो कहते तो हैं कि भगवान आकर के भक्ति का फल देगा भक्तों को, तो ये तो ठीक है कि भक्ति तो जरूर करते हैं, फिर पूछना पड़े उनसे कि भगवान आकर भक्ति का फल क्या देते हैं। तो कोई जवाब नहीं देंगे। अगर कहें कि भगवान आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं तो सवाल होता है कि गुरुओं ने अब तक क्या ज्ञान ही दिया, तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान भक्ति का फल क्या देते हैं।
गाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं कि भगवान जब आते हैं तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा युक्त कर्मकांडों से वैराग आ जाता है। इसे साबित होता है कि भगवान के ज्ञान से ही सदगति होती है, और ज्ञान से पहले पहले किसकी सदगति होगी। ये तो ठीक है कि मनुष्य मात्र की सदगति होती है, सारी सृष्टि की सदगति होती है, परंतु ज्ञान से पहले पहले सदगति होती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊपर की ओर उड़ती है, अधोगामी नहीं बनती। नहीं तो भक्ति से तो बुद्धि नीचे ही उतरती रहती है। तो कहेंगे सदगति हुई ज्ञान से। ज्ञान है भगवान से, और भक्ति करने से भगवान मिलता है, तो भगवान से ज्ञान मिलता है। भगवान जरूर सदगति देंगे, सदगति देंगे तो साबित हो जाता है कि वर्षों से भक्ति करते करते अब तक दुर्गति हुई है, तो भगवान को आकर के सदगति देनी पड़ती है। कहते तो ठीक है कि भक्ति का फल भगवान आकर के देंगे, परंतु कब देंगे और कैसे देंगे वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि झूठा ज्ञान सुनाते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं, हर युग में आकर के सदगति करते हैं। अरे सदगति करेंगे तो सत्ययुग की स्थापना होगी, झूठ खंड की स्थापना कैसे होगी। द्वापर के अंत में आए कृष्ण के रूप में, तो पाप के युग की स्थापना थोड़े ही करेंगे, सदगति की स्थापना करेंगे तो कलयुग कैसे आ जाएगा। तो पता ही नहीं है कि भगवान आकर के कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में सबकी सदगति करते हैं। तो गुरुओं को तो ये भी पता नहीं है कि भक्ति कब से शुरू होती है और कितना समय चलती है, कुछ भी पता नहीं। तुम कोई से भी पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि परंपरा से चलता चला आया, क्योंकि कल्प की आयु ही उन्होंने लाखों वर्ष लिख दी है, तो सभी के लिए कहेंगे परंपरा से। पूछो शास्त्र कब बने, कब से सुनना शुरू किया, कब से शास्त्र पढ़े, ये रावण को कब से जलाते चले आए, तो कह देंगे परंपरा से। ये भी पता नहीं है कि कोई जब बहुत दुख देते हैं तब उनका पुतला जलाया जाता है,
दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, बाद में कलयुग में आकर के तमो प्रधान बना। ये रावण संप्रदाय ने कलयुग में आकर के भारत को बहुत दुख दिया। कितने कितने विधर्मियों के आक्रमण हुए, कितना भारत को तहस नहस किया, कितने ढेर के ढेर कन्वर्ट होते रहे। तो देखो, समझने और समझाने में बहुत फर्क हो जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना दुखी होते हैं, जैसे बिल्कुल भक्ति करते करते तबाही हो जाते हैं। शास्त्रों के श्लोकों को रटना शुरू कर देते हैं, फिर भगवान बाप आकर जब ज्ञान सुनाते हैं तो समझते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया ज्ञान है। बाप तो समझाते हैं कि जिन्होंने कल पहले समझा होगा वो झट समझ जाते हैं। इस ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ो, ब्रह्मा का जन्म नहीं गाया हुआ है, शिव बाबा का जन्म गाया हुआ है। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो जरूर घोर अज्ञान की रात्रि में आया होगा, संसार में प्रत्यक्ष हुआ होगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है ना, तो शिव बाबा का भी जन्म तो है, परंतु दिव्य जन्म है। कोई पेट से जन्म नहीं लेते हैं, ये बुद्ध रूपी पेट से प्रत्यक्ष होने की बात है। जब इस दुनिया में 500 करोड़ की बेहद की दुनिया में, अथवा ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, और ब्राह्मणों में भी जो बीज रूप आत्माएं हैं सब धर्मों की, उस एडवांस पार्टी के बीच में भी एक एक मनुष्य मात्र में घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है। सबकी बुद्धि में से विनाश की बात भी खिसक जाती है। भगवान के स्वरूप पर भी श्रद्धा नहीं रहती। एक व्यापी है या सर्वव्यापी है, सब मुझ जाते हैं। ऐसी अज्ञान की घोर अंधकार की रात्रि फैलती है, तब मैं अचानक प्रत्यक्ष होता हूं, जन्म लेता हूं। तो बाप समझाते हैं मेरा दिव्य जन्म है और अलौकिक जन्म है। मैं प्राकृतिक मनुष्यों सदस्य जन्म नहीं लेता हूं, मनुष्यों के तो 5 तत्वों के बने हुए पुतले हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं। मैं उस प्रकार संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, वो तो सब शरीरधारी बनते हैं, जिनको जिनको भी अपना रथ रूपी शरीर है
वो सब स्वार्थी हैं। रथ में ही बुद्धि लगी रहती है, देहदारी है, चाहे अपनी देह है चाहे दूसरों की देह में बुद्धि धरी रहती है। क्योंकि देह से ही जन्म लेते हैं, और मैं तो देह से जन्म नहीं लेता हूं, मैं तो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करता हूं। तो ये दिव्य जन्म की बात, ये नाले सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के कोई नहीं दे सकता, और ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता। मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन मनन चिंतन मंथन में लगा रहता है, अथवा मन चंचलता करता रहता है। ये उपमा तो निराकार की है, ज्ञान का सागर निराकार बाप आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं। वो आत्मा ही अलग है, तुरिया है, समझाते हैं कि तुम सभी कैसे पार्ट बजाते हो। तुम रावण राज्य में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े, अभी तुम समझते हो कि आत्मा ही सभी कुछ करती है। वो आत्मा का ज्ञान अभी उड़ गया है, नहीं तो ये शरीर के आर्गन्स हैं, परंतु मैं तो आत्मा हूं। मैं आत्मा चाहूं तो इन आर्गन्स से कर्म कराऊं, और चाहे न कराऊं, ऐसी स्टेज जब बन जाए तो कहेंगे विक्रमाजीत। जो कर्म इंद्रियों से दुखदायी कर्म होते हैं, उन कर्मों पर विजय पाने वाला। निराकारी दुनिया में तो हम शरीर रहित होते हैं, तो अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो सन्यासी लोग तो फिर ब्रह्म को घर समझ लेते हैं। ब्रह्म को ही ईश्वर मान लेते हैं। वास्तव में न ब्रह्म घर है न ईश्वर है, न ब्रह्मा घर है और ईश्वर है। वो अपन को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व को ब्रह्म और ब्रह्म को ईश्वर मान लेते हैं, और कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे, फिर तो ईश्वर ही अलग हो जावे। ये तो ब्रह्मा को ही ईश्वर कह देते हैं। गीता का साकार भगवान समझ लेते हैं, फिर कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। शिवो हम की स्टेज पकड़ लेते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, ब्रॉड ड्रामा में जो नूद है वो संगम युग में शूटिंग पीरियड में भी नूद है,
बिल्कुल बाप को भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो एक व्यापी समझ करके याद करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही है जो स्वर्ग बनाने वाला है। बाकी तो सब मनुष्य मात्र नर हैं, नर तो नरक ही बनावेगा। अभी तुम तो हो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण, तुम अभी पुरुषों में उत्तम बन रहे हो। जो कनिष्ठ पुरुष होते हैं वो उत्तम पुरुष के आगे माथा टेकते हैं, ब्रॉड ड्रामा में भी माथा टेकते हैं, और अभी शूटिंग पीरियड में भी माथा टेकते हैं, और आगे चल करके देखेंगे वो कनिष्ठ श्रेष्ठ के सामने कैसे कैसे माथा टेकते रहते हैं। माथा टेकना माने बुद्धि झुकाना। देवताओं के मंदिर में जाकर देवताओं की कितनी महिमा करते हैं। अब ये सब शूटिंग होने वाली है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, ये तो बहुत सहज बात है कि हम ही बायजोली खेलते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं फिर नीची स्टेज में जाते हैं। ये विराट रूप का भी बताया हुआ है, चोटी और एड़ी का संगम हो जाता है। ब्राह्मणों की चोटी भी है और फिर आखिरी स्टेज एड़ी भी है। तो ये विराट चक्र है। 6968 की वाणी का तीसरा पेज। वो भक्त लोग तो सिर्फ गाते रहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, परंतु ये गायन किस समय का है ये जानते ही नहीं है। अभी बाप आकर हम ब्राह्मणों को ऐसा पूजनीय ब्राह्मण सो देवता बनाते, ये षष्ठी का चक्र अनादि फिरता रहता है। अभी तुम जान गए हो सत्युग में देवताएं इतने वर्ष, फिर चंद्रवंशी इतने वर्ष, चित्र तो देवताओं के मिलते हैं ना। लक्ष्मी नारायण के आदि के चित्र है ना, जो उनके चरित्र की यादगार है। जानते हो ये ऊंचे ते ऊंचे हैं, इसलिए नारायण की कथा घर घर में भारत में गाई जाती है। इनकी कोई भी ग्लानी नहीं करता है, शास्त्रों में भी इनकी कोई ग्लानी नहीं है। नहीं तो 33 करोड़ देवताएं सब की ग्लानी भरी हुई है। फिर बाप आकर सभी को नंबरवार करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो करते आए हो वो सभी रंग है। इसीलिए तुम तमो प्रधान बन गए हो। भक्ति मार्ग में तो हर बात हर एक्ट रंग हो जाती है। रंग का फल राइट बाप ही आकर के देंगे। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, अनराइटियस वर्ल्ड में दुखी ही दुख होता है। सारी दुनिया में अनराइटियस,
प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। बाप आकर के राजाओं के राज्य की स्थापना करते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है रावण राज्य, पांच पंचों का राज्य, पांच पंचों के मुख रावण के पांच पुरुष मुख हैं, जिनकी प्रधानता होती है। रावण के चित्र में पांच मंदोदरी के मुख भी दिखाए हैं, परंतु राज्य में उनकी प्रधानता नहीं है। वो शासक नहीं है, पुरुषमुखी ही शासक है। हैं तो सभी भिखारी। तो ये रावण का राज्य है ही अनराइटियस। राम का राज्य होगा तो जरूर राइटियस होगा। इसलिए कहेंगे ये दुनिया कलयुग है और वो है सत्ययुग। सत्ययुग में देवताएं कब शास्त्र नहीं उठाते हैं? तो देखो, बाप ने अपना भी नॉलेज दिया और रचना की भी समझाने दी। शास्त्रों में इन देवताओं की बुद्धि नहीं होती है। जो शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं उन्हें शास्त्रवादी कहा जाता है। तो उन शास्त्रवादियों की बुद्धि में सिर्फ वेद शास्त्र ही होंगे। बाप कहते हैं, हम जानते हैं, ये सभी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। इन शास्त्रों को पढ़ने सुनने से तुम नीचे ही उतरते आए हो। ये नीचे उतरने की शूटिंग अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी तुम करते हो क्या? कैसे? बाप ने बताया है कि तुम जो मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, कागज का पत्ता लेकर के, वो है थर्ड क्लास मुरली। टेप रिकॉर्डर से जो सुनते हो वो है नंबर दो का माल, और डायरेक्ट भगवान बैठ जो सुनाते हैं, और तुम्हारी बुद्धि ये निश्चय करती है कि हम डायरेक्ट भगवान बाप से सुनते हैं, वो है फर्स्ट क्लास माल। एक भगवान के ज्ञान से ही, एक भगवान से सुनने से ही सदगति होती है, उससे दुर्गति नहीं हो सकती। बाकी तो सभी शास्त्रों का ज्ञान है, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते रहते हैं, कुछ न कुछ मिक्सैलिटी जरूर करते रहेंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। बाप भी कहते हैं, वो पढ़ाई पढ़ने से कोई बैरिस्टर कोई क्या बनते हैं? वो फिर भी चढ़ाई है। अभी तुम्हारी चढ़ाई देखो कैसी है, कैसे तुम सीढ़ी चढ़ते हो।
एक सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो सभी का सुखदाता एक ही राम कहा जाता है और राम कहा जाता है शिव बाबा को। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। साकार हो तब ही कहेंगे ऊंचते ऊंच या नीचते नीच, क्योंकि ऊंचते ऊंच और नीचते नीच से दुनिया की बात है। निराकारी लोक परम धाम की बात नहीं है। ऊंचते ऊंच वो बाप ही है। और कोई भी मंदिर में तुम जाओगे तो सभी को शरीर है, और शिव के मंदिर में जाओगे शिव की तुम पूजा करते हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि हम शरीर की पूजा करते हैं, हैं? वहां तो लिंग रखा हुआ है, लिंग को कर्मेंद्रियां तो दिखाई नहीं गई है, तो क्या जड़ की पूजा करते हो? पूजा तो पवित्रता की जाती है। जिस पवित्र की पूजा की जाती है वो पवित्र तो चैतन्य होगा या जड़ होगा? चैतन्य होना चाहिए। और चैतन्य कहा जाता है बोलते चालते को। तो जरूर जो शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है और जिसकी पूजा सारी दुनिया में सार्वभौम है, सबसे जास्ती लिंग के मंदिर बने हुए हैं, वो ये साबित करते हैं कि वो एक है जो निराकारी स्टेज को चैतन्य शरीर में प्राप्त करता है, और प्राप्त कराने वाला है शिव बाबा। इसलिए शिव के साथ किसी एक देवता का नाम जोड़ा जाता है, शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं के बीच में और कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। बल त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, उस त्रिमूर्ति में विष्णु और ब्रह्मा का भी नाम दिया हुआ है, परंतु विष्णु शिव ब्रह्मा शिव ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो नीची स्टेज दिखाई गई है। 3 मूर्तियों के बीच में ऊंची से ऊंची स्टेज है महादेव, जो शिव बाप का बड़े से बड़ा बच्चा है। वो पहले पहले इस दुनिया के बीच निराकारी स्टेज को धारण करता है। तो एक शिव ही है जिसका शरीर नहीं है, उनको कहते हैं परम पिता। तो क्या बिंदी को कहते हैं? हाँ? जब पिता है, सुप्रीम टीचर है, सदगुरु है, तो क्या बिंदी है? बिंदी को कहा जाता है क्या? नहीं। वो बिंदु सुप्रीम सोल मुकरर रथ में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है। वो परम पिता बेहद का बाप जरूर बेहद का बरसा देते हैं। वो बेहद का बरसा है ही स्वर्ग,
जहां सब स्वयं स्थिति में जाने वाले हैं। पहले तुम स्वर्ग के वासी थे, अभी नरकवासी बन गए हो। राम कहा जाता है बाप को। राम के जितने भी चित्र पूजे जाते हैं वो बड़े रूप के पूजे जाते हैं। कृष्ण के जो चित्र पूजे जाते हैं वो बच्चे के रूप में पूजे जाते हैं। कहाँ की यादगार है? अभी संगम युग की यादगार है कि जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो ये दो आत्माओं को विशेष रूप से चुनते हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं। एक बाप का पार्ट बजाता है और एक बच्चे रचना का पार्ट बजाता है। बाप कहते हैं वो राम नहीं जिसकी सीता चुराई गई। क्या सीता जिसकी चुराई जाए वो संपूर्ण स्टेज है या अपूर्ण स्टेज है? वो अपूर्ण स्टेज कहेंगे। वो कोई सदगति दाता नहीं हो सकता। कौन? जिसकी सीता जिसकी घरवाली ही चुराई ली जाए। वो सारे राज्य का पालन पोषण क्या करेगा? सारे विश्व का पिता कैसे बनेगा? विश्व का शासक तो बन ही नहीं सकता। बाप कहते हैं वो राम तो सिर्फ राजा था, उसको महाराजा भी नहीं कहेंगे। ये महाराजा और राजा का भी राज समझाया है। महाराजाएं होते हैं सतयुग में, त्रेता में होते हैं राजाएं, द्वापर में राजाएं और महाराजाएं दोनों होते हैं, और कलयुग में महाराजा का सिर्फ टाइटल रह जाता है, बाकी तो राजाएं ही राजाएं। और संगम युग में न राजा होते हैं और न महाराजा होते हैं। जब सच्चखंड स्थापन होता है तब बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं और महाराजा बनते हैं। वो 16 कला संपूर्ण, उनको नारायण कहा जाता है। वो राम 14 कला। तो देखो रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो महाराजाएं बहुत साहूकार होते हैं और राजाएं कम साहूकार होते हैं, परंतु रावण राज्य के उन राजाओं महाराजाओं को कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। फिर कौन से वंश के हैं? रावण राज्य के राजाएं महाराजाएं वैश्य और सूर्यवंशी कहेंगे। उनमें भी कलयुग के अंत में साहूकारों को महाराजा का लकब मिल जाता है। जो कम साहूकार होते हैं उनको राजा का लकब मिलता है। अभी तो है ही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। राजाओं महाराजाओं की उपाधि ही खत्म, घोर अंधेरा लगा पड़ा है। इस प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य में कोई धनी दोरी नहीं है। राजा को भी प्रजा अन्नदाता समझती है, परंतु अभी तो वो गए। बाकी देखो प्रजा का क्या हाल है, कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारे में आदि लगी हुई है। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो आदि से लेकर अंत तक सारा नॉलेज।
वो भी बाप ने आकर के समझाया है। तुम जानते हो कि रचयिता तो एक ही बाप है और वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। इस बात को भी तुम समझते हो। और अभी संगम युग में तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर प्रैक्टिकल में है। जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। तुम भी अभी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में तुम्हारी कहानियां बन जाएंगी। चित्र तो बने रहते हैं, तो कोई से भी पूछो ये चित्रधारी कब राज्य करते थे, तो कहते हैं कि लाखों वर्ष पहले राज्य करते थे। कोई भी सन्यासी उदासी आदि नहीं है जो जानता हो, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवताओं के बारे में क्या जाने। तुम तो हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, अभी फिर से तुमको पवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। उस पवित्र गृहस्थ आश्रम के स्वर्गों के स्वर्ग के सुखों को कोई नहीं जानता है। ये निवृत्ति मार्ग वाले गुरु सन्यासी कभी भी प्रवृत्ति मार्ग नहीं सिखलाए सकते हैं। अगर सिखलाए सकते होते तो अपने घर गृहस्थ को छोड़ करके क्यों भागते। तमो प्रधान मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं कि इनको गीता ज्ञान सुनाने का कोई हक नहीं है। गीता में तो प्रवृत्ति मार्ग का सारा ज्ञान दिया हुआ है, नर को नारायण बनाने का ज्ञान दिया हुआ है, नारी लक्ष्मी को द्रौपदी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान दिया हुआ है, नर नारायण अथवा लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। प्रवृत्ति मार्ग वालों का ज्ञान निवृत्ति मार्ग वाले देवताएं कैसे दे सकते हैं। तमो प्रधान मनुष्य हैं तो इन बातों को समझते ही नहीं है। ओम शांति जी।